नवाज हुसैन जी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरिंग रिसोर्सेस के सचिव महोदय श्री नरेंद्रेश्वर लाल जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, श्री संजीव दयाल रीजनल डायरेक्टर आरबीआई पटना, जिन्होंने हमारे एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सम्मान देते हुए आज अपना बहुमूल्य समय निकाला, श्री सुमन कुमार गुप्ता साइंटिस्ट BIS, श्री अरविंद कुमार सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट BIA पटना, KVIC के निदेशक, NSIC के रीजनल मैनेजर और यहाँ उपस्थित तमाम MSME से जुड़े फर्टिलिटी प्रेस के मीडिया बंधु, यह कहते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज माननीय मंत्री MSME को बढ़ावा देने के लिए साक्षात हमारे बीच मौजूद हैं। इस संदर्भ में मैं शुरुआत इस स्तर से करना चाहूँगा कि जब हमारी मुलाकात कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री महोदय ने समय देकर किया था, तो उनसे मैंने अनुरोध किया था कि सर, बिहार में यहाँ MSME की टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं है और इस संदर्भ में हमें आपसे अनुरोध की ज़रूरत है। माननीय मंत्री ने हमारी भावनाओं और MSME की जरूरतों को समझा और तुरंत हमारे केंद्रीय मंत्री MSME को उन्होंने पत्र लिखा और ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियां बजाएं एक बार कि हमारे केंद्रीय मंत्री MSME ने तुरंत प्रशासनिक स्वीकृति MSME में टेस्टिंग सेंटर लगाने की दे दी है और अगले महीने इनकी घोषणा भी हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा कर दी जाएगी। तो मैं अपने वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री का हार्दिक रूप से व्यक्त करता हूं, उद्गार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो अपना समय निकाला और जो पत्र लिखा, उनकी क्षमता इतनी थी कि तुरंत हमारे को एक टेस्टिंग सेंटर बिहार में मिल गया। तो इस बार के लिए मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दूसरा, अभी हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब RBI के यहाँ मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी जानकारी दी और इनकी जानकारियाँ कि मानक क्षमता काफ़ी दूर तक है, चूँकि बैंकरों से MSMEs को थोड़ी सी परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ता है और इस संदर्भ में बिहार के मुखिया होने के नाते जब इस तरह का इन्होंने जो बातें कही हैं, जो अपनी मनसा व्यक्त की है, उससे सारे MSMEs को एक संबल मिला है, एक आधार मिला है। उसी तरह से BIS के डायरेक्टर ने भी बताया कि यहाँ टेस्टिंग्स बहुत कम होते हैं, तो मैं इनसे भी अनुरोध किया था और इन्होंने भी अपनी सहभागिता व्यक्त की थी कि टेस्टिंग सेंटर्स का यहाँ निर्माण हो। तो अगर टेस्टिंग सेंटर्स हम लोग जितना जल्दी खोलते हैं तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे, सर्टिफिकेशन देंगे और ये लाइसेंस देंगे, तो बड़ा कॉम्पैक्ट एक कोऑर्डिनेशन होगा BIS और MSMEs के बीच। हमारे बीच आज श्री नरेंद्रेश्वर लाल जी हैं, पहले सचिव महोदय हुआ करते थे उद्योग विभाग में, मैं इनके मातहत काफी दिनों तक काम किया और काफी बातें सीखी इनसे, काफी आत्मबल मिला मुझे और बिहार में जितने भी औद्योगिक परिस्थिति है उनको मैंने देखा, समझा और जब मैं इनसे विदा लिया और मैं अपने वापस MSME के पैतृक विभाग में आया तो इनसे हमेशा संपर्क रहा और ये उन्हीं का नतीजा है कि मैंने इनको अनुरोध किया और ये हमारे अनुरोध को तुरंत मान गए। इस संदर्भ में एक दो बातें ये कहना चाहूँगा कि जैसा सचिव महोदय सेक्रेटरी हैं एनिमल एंड फिशरी डिपार्टमेंट में, तो उसमें ये कहा जाता है या कहा जाना चाहिए कि जितने भी एनिमल और फिशरी डिपार्टमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं या जितने भी इसके मालिक हैं, वो सब MSME के अंडर रजिस्ट्रेशन कराने के हकदार हो सकते हैं और MSME की जो भी सब्सिडीज ग्रांट हैं वो भी हम लोग इनके मातहत हम लोग इनको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि MSME का एम्बिट बहुत लंबा चौड़ा है। आज के दिन में 250 करोड़ अगर किसी का टर्नओवर है तो वो MSME के एम्बिट में आता है और इसकी नीचे जो है सब्जी बेचने वाला अगर एक है उसको भी हम लोग MSME के एम्बिट में ला सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इस संदर्भ में जैसा कि बताया जा रहा है, मैं जानता हूं कि अभी हमारे
11 करोड़ एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं पूरे भारतवर्ष में, और 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है, 40% फॉरेक्स मनी विदेशी मुद्रा एमएसएमई से प्राप्त होती है। तो ये जो शख्सियत एमएसएमई की है, इस शख्सियत को हम लोग कितना ज्यादा आगे बढ़ाएं, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा एमएसएमई के बारे में उद्बोधन करते हैं, और कुछ दिन पहले उनका उद्बोधन में आया था कि एक चैंपियन पोर्टल का उद्घाटन किया जाए, श्री गणेश किया जाए, जिसमें भारतवर्ष में जितने भी एमएसएमईज हैं उसको किसी तरह की अगर दिक्कत हो, चाहे फाइनेंस की दिक्कत हो, चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की दिक्कत हो, चाहे मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे लेबर का इशूज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का इशूज हो, एनी शॉर्ट ऑफ इशूज अगर उनके पास आता है तो वो अपने इशूज को एमएसएमई के नेशनल पोर्टल पे डाल सकते हैं, और वो उस राज्य के एमएसएमई डीआई में जाता है, और एमएसएमई डीआई जिससे भी संबंधित वो एमएसएमई को परेशानी है उसको सीधे हम लोग लिखते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये परेशानी का समाधान आप कब तक कर दे रहे हैं और क्या परेशानी का समाधान हो सकता है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट एमएसएमई के लिए किया गया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एमएसएमई के जो हमारे चैंपियन पोर्टल्स है उसके बारे में जानें, समझें, और उस पर त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए किसी तरह की परेशानी है तो उसको करें। अभी मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि एमएसएमई के चैंपियन पोर्टल्स में बिहार के संदर्भ में जितनी भी शिकायतें आई हैं, जितनी भी सुझाव आए हैं, उसमें 90% को हम लोगों ने सॉल्व किया है, रिसॉल्व किया है, और अगर कोई डिले पेमेंट होता है तो वो पेमेंट हमने करवाया है। अभी माननीय मंत्री महोदय से हमें कुछ मौका मिला 2-4 मिनट बात करने का, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर यहाँ पर डीआई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जो कि एमएससी सीएफसी कहलाती है, जिसमें डिले पेमेंट के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, और उसमें डिले पेमेंट में एमएसएमई वाले का सुनवाई होता है। तो इसमें बहुत सारे केस पेंडिंग्स रह गए हैं, तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि भाई जल्दी से आप भेजिए, मैं उसकी सुनवाई डीआई से करवाकर और डिले पेमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हम लोग निराकरण करेंगे। तो ये पुनः अच्छी शुरुआत हो रही है और इस पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। क्योंकि मंत्री महोदय को अभी विधानसभा जाना है तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि आपने आया, हम लोगों को सुना, और इसके बाद जो हम लोग का सेशन चलेगा उस सेशन में आप लोग रहेंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे, लंच के बाद फिर पोस्ट सेशन में मिलेंगे, और हमारे एमएसएमई के जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सब्सिडीज हैं, चाहे वो केवीआईसी के हों या एनएसआईसी के हों या एमएसएमई के हों, ये सारे एक ही मंत्रालय में आते हैं, तो इस मंत्रालय के तहत आपको जितनी भी जानकारी है वो दी जाएगी। और हमारे बीच में श्री संजय मयूर जी भी उपस्थित है एमएलसी महोदय, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी समय निकालकर हमारे बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो बाकी समय नहीं लेते हुए पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग हम लोगों से मिलें और आगे कार्रवाई करें। धन्यवाद।